मैं कीर्ति परोहा, कक्षा 11वीं के जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। बच्चों, जैसा कि मैं समझती हूँ कि मेरे बनाए वीडियोस को आप बहुत अच्छे से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और नोटबुक में नोट भी कर रहे होंगे। एक बार जरूर ध्यान दें कि जो भी डायग्राम्स यहाँ पर शो होते हैं, साथ ही साथ आपकी बुक में जो डायग्राम्स बने हैं उनको बनाने की प्रैक्टिस बराबर से बहुत अच्छी तरह से करते जाइए। बच्चों, आज हम वनस्पति जगत के अंतर्गत शैवाल वाला चैप्टर जो है एल्गी, उसका अध्ययन करेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे वनस्पति जगत के अंतर्गत शैवाल का अध्ययन और उसका क्लासिफिकेशन। चलिए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले अगर हम बात करें तो विटेकर के पांच जगत वर्गीकरण के बाद, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, उसके बाद प्लांट और एनिमल में वर्गीकृत किया था, तो जो प्लांट किंगडम है अर्थात जो पादप जगत है उसको भी दो भागों, ये मैं ब्रीफली समझा रही हूँ आपको, इसको भी दो भागों में कर दिया। एक तो कर दिया जिन्होंने स्पोर बेयरिंग थे यानी जो बीजाणु धारण करते थे, और दूसरा कर दिया सीड बेयरिंग प्लांट मतलब जो बीज धारण करते थे, बीजाणु और बीज। अब जो स्पोर बेयरिंग प्लांट्स थे जो बीजाणु धारण करते थे उसके अंतर्गत उन्होंने रखा एल्गी, मोसेस और लेवरवर्ट्स जिसका अध्ययन हम आगे करेंगे यानी ब्रायोफाइट, फंस यानी कि कैरिडोफाइटा ग्रुप आ गया इसमें, और यहाँ पर जो बीज धारण करते थे उसमें भी दो भाग कर दिए उनने। पहला है पुष्पी प्लांट यानी जो पुष्प धारण करते थे, यहाँ पे पुष्पी पौधे आ गए, पुष्प धारण करने वाले प्लांट आ गए, और यहाँ पर भी आए कोनिफर्स और जिम्नोस्पर्म अर्थात अनावृत बीजी प्लांट यहाँ पर आ गए, इनको बोला गया अनावृत बीजी प्लांट। और यहाँ पर जो पुष्पी पौधे थे उनको अगेन दो भागों में बांट दिया गया, मोनोकोटिलेडन अर्थात एक बीज पत्री पौधे, और डाइकोटिलेडन अर्थात द्विबीज पत्री पौधे। ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अब हम वनस्पति जगत का अध्ययन और उसका वर्गीकरण समझने जा रहे हैं, तो आपके ये चीज डिस्कस क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट देखें, अब हम आते हैं वनस्पति जगत के अंतर्गत सिंपल, जैसे जैसे जैव विकास हुआ, जैसे जैसे विकासशीलता की अवस्था पाई गई, तो पादपों में सबसे पहले शैवाल का भी विकास हुआ, जो कि शैवाल आपने देखा कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, कहीं भी हम देखें तो जिसको आप काई बोलते हैं ना जनरली उसको हम शैवाल का ही रूप मानते हैं। अब हम सबसे पहले शैवाल का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण पढ़ेंगे। आपकी एनसीईआरटी की बुक में शैवाल का वर्गीकरण तीन मेन क्लासेस में किया गया है। पहली क्लास है इसकी क्लोरोफाइसी, दूसरा क्लास है इसका थियोफाइसी, और तीसरी है इसकी रोडोफाइसी। इनका हम आगे वन बाय वन अच्छे से अध्ययन करेंगे। शैवाल का अध्ययन, शैवाल जो होते हैं या एल्गी जो होते हैं वो उनका संगठन कैसा होता है, सरल होता है, बहुत सिंपल होता है, हैलाइड स्ट्रक्चर होता है, और ये स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी यानी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। दूसरा है ये जलीय होते हैं, ये अलवणीय जल यानी स्वच्छ जल और लवणीय जल यानी समुद्री जल में भी पाए जाते हैं। इनकी आकार और आकृति में विविधता पाई जाती है, इनकी जो आकार और आकृति रहती है वो कैसी रहती है, अलग अलग रहती है, कोई तंतुवत होता है, कोई कॉलोनियल होता है, इस टाइप के ये पाए जाते हैं। इनमें जो जनन होता है वो जनन की तीन जो विधियां हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन होता है। बच्चों, मैं एक बार फिर से यहाँ कहना चाहूंगी कि कक्षा 12वीं के क्लास में मैंने एक रिप्रोडक्टिव मेथड पर पूरा वीडियो बनाया है, अगर आप चाहें तो उस वीडियो को भी लिंक करके जनन की विधियों को अच्छे से समझ सकते हैं। इसमें जो जनन होता है वो तीन प्रकार का होता है, वेजिटेटिव या कायिक जनन, माने शरीर का कोई भी अंग टूट करके एक नए जीव की रचना कर लेता है। दूसरा होता है आलैंगिक जनन, जो कि होता है जू स्पोर के माध्यम से,
और लैंगिक जनन होता है उसमें युग्मक का निर्माण अर्थात गैमिटोजेनेसिस होती है, उसमें गैमिट जो होते हैं या तो वो एक से दिखने वाले समयुग्मकी या फिर वो अलग अलग दिखने वाले विषम युग्मकी होते हैं। अगर हम देखें तो जो शैवाल है उनका बहुत आर्थिक महत्व भी है, जैसे कि जिलेडियम नामक शैवाल तथा ग्रैसिलेरिया नाम की जो शैवाल होती हैं, उनसे हमें अगर अगर एक प्रोडक्ट प्राप्त होता है जिसका उपयोग हम क्या करते हैं, आइसक्रीम बनाने में, जेली बनाने में, और माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत जब हम सूक्ष्म जीवों का संवर्धन करते हैं, कल्चर करते हैं, तो कल्चर मीडियम बनाने में भी उसका उपयोग किया जाता है। तो इनसे जो प्राप्त प्रोडक्ट है उसका नाम है एगर, एगर एगर नाम से उसको जाना जाता है, कई लोग अगार अगार भी बोलते हैं, ये प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके बाद जो क्लोरेला है, स्पिरुलाइना है, ये कैसे है, ये एक कोश की शैवाल होते हैं और इनमें जो होता है इनमें प्रोटीन की भरपूर मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन बहुतायत में पाया जाता है, इसलिए ये जो होते हैं अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको आ सकता है, तो आप ये याद रखिए, ये किसके भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं, अंतरिक्ष यात्रियों के। आपको बताया ना कि अंतरिक्ष यात्री जो इतने दिनों तक वहां पर रहते हैं तो वो कैसे भोजन करते हैं, क्या प्राप्त करते हैं, तो इस प्रकार के शैवालों से बहुत मात्रा में प्रोटीन प्राप्त होता है और ये अंतरिक्ष यात्रियों के भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा कि शैवाल को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, पहला है क्लोरोफाइसी, दूसरा है रोडोफाइसी और तीसरा है फियोफाइसी। तो अब हम पढ़ेंगे क्लोरोफाइसी में कौन कौन से लक्षण आते हैं और किस प्रकार के शैवाल इसके अंतर्गत रखे गए हैं। तो क्लोरोफाइसी, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, क्लोरो अर्थात क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति, और क्लोरोप्लास्ट जहां है वो पौधे कैसे हो जाएंगे, स्वपोषी हो जाएंगे। तो ये प्रायः हरे शैवाल माने जाते हैं और कैसे होते हैं, स्वपोषी होते हैं, ये हमको हमेशा याद रखना, इसको भूलिएगा नहीं आप। कुछ जो विज्ञान है, बायो है, वो पूरा कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्ट पे है, यदि आपने इसके टर्मिनोलॉजी बहुत अच्छे से याद रखी तो आप ये कभी नहीं भूल पाओगे। दूसरा, ये एक कोश की भी हो सकते हैं, कॉलोनी रेल हो सकते हैं, मतलब बहुत सारे ग्रुप में कॉलोनी बना के रह सकते हैं, और तंतुमयी अर्थात फिलामेंटस स्ट्रक्चर भी इनका हो सकता है। क्योंकि इनमें क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट में इनके पायरिनाइड पाया जाता है, पायरिनाइड जो होता है वो एक प्रकार का स्टार्च होता है। अगेन इसमें जो रिप्रोडक्शन मेथड होती है वो कायिक अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, अलैंगिक अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और लैंगिक अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। इसके उदाहरण है बॉल बॉक्स, यूलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास, ये सारे बहुत आर्थिक महत्व के जीव हैं। अब हम देखें इसका स्ट्रक्चर, तो ये है बॉल बॉक्स अर्थात यहाँ पर पूरे बॉक्स एक गोल गेंद की तरह दिखाई दे रहे हैं। तंतुमय स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो ये है यूलोथ्रिक्स, इसमें तंतुमय स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा, तो ये थे हमारे क्लोरोफाइसी ग्रुप के सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्लासिफिकेशन में दूसरा स्टेप क्या है, तो दूसरा है वर्गीकरण में फियोफाइसी अर्थात भूरे शैवाल, ये ब्राउन एल्गी कहलाते हैं। ये क्या है, मुख्यतया समुद्री आवास में पाए जाते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं, ये सरल होते हैं, शाखित यानी ब्रांच्ड होते हैं, और तंतुवत संरचना इसकी पाई जाती है। कभी कभी ये अत्यधिक सघन और शाखित हो जाते हैं जैसे कि कैल्प, और इनकी ऊंचाई 100 मीटर तक हो जाती है, 100 मीटर तक ये ऊंचे होते हैं। इसके बाद इसमें जो वर्णक होता है, वर्णक होता है क्लोरोफिल ए और सी, क्लोरोफिल के कारण ये कैसे हो जाते हैं, स्वपोषी हो जाते हैं। हमने तो पहले ही इसको बहुत अच्छे से डिस्कस किया है शैवालों के लक्षणों में कि ये स्वपोषी होते हैं। कैरोटीनाइड और जेंथोफिल की उपस्थिति के कारण ये ब्राउन कलर के होते हैं। तो ये मेन इसके पिगमेंट याद रखना, क्लोरोफिल तो है ही, साथ ही इसमें कैरोटीनाइड और जेंथोफिल। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि भूरे शैवालों में कौन सा वर्णक पाया जाता है। इसका जो भोजन होता है वो जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि लेमिनेरिन या मैनिटाल के रूप में संचित रहता है।
कोशिका भित्ति क्योंकि ये प्लांट है तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है, बेसिक फीचर है, लेकिन इसके बाद भी इस पे एल्जिन का जिलेटिनी स्तर पाया जाता है, मतलब जिलेटिनी लेयरिंग पाई जाती है। इसमें जो जनन है वो कायिक अर्थात वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा आलैंगिक प्रजनन जो होता है वो जूस्पोर के द्वारा, और ये जो जूस्पोर होते हैं वो फ्लैजिलेटेड या फ्लैजिला युक्त होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों। लैंगिक प्रजनन जो होता है वो गैमिट्स अर्थात युग्मक के द्वारा होता है। अगर हम इनके उदाहरण देखें तो उदाहरण है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, फ्यूकस, सर्गासम और लेमिनेरिया, ये इनके उदाहरण हैं। चलिए देखते हैं इनके स्ट्रक्चर। ये है डिक्टियोटा, ये है कटलेरिया, ये फ्यूकस, ये मार्कोसाइटोसिस, सर्गासम और पेडिना, ये इनके उदाहरण हैं, अर्थात ब्राउन एल्गी, भूरे शैवाल। अब आता है नेक्स्ट रोडोफाइसी या लाल शैवाल, ये लाल रंग के होते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है रोडोफाइसी या लाल शैवाल में वर्णक होता है, जिसका लाल वर्णक होता है आर पाइको एरिथ्रिन, अच्छे से याद रखिए, लाल वर्णक आर फॉर रेड, आर पाइको एरिथ्रिन के कारण, और चूंकि ये शैवाल है। बहुलता जो होती है ये समुद्र में गर्म क्षेत्र, जितने भी हॉट रीजन्स होते हैं उनमें ये शैवाल पाई जाती है, गर्म क्षेत्रों में पाया जाता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता, संरचना होता, अधिकतर थैलस बॉडी होती है, जनरली ये मल्टी सेलुलर या बहुकोशिक होते हैं। भोजन जो होता है वो फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में संचित होता है। जनन देखें तो कायिक विखंडन के द्वारा होगा, अलैंगिक जनन जो होगा वो अचल स्पोर बीजाणु के द्वारा होगा, लैंगिक जनन भी जो होगा उसमें जो युग्मक बनेंगे वो भी अचल या नॉन मोटाइल रहेंगे। इनके सदस्य देखें पॉलीसाइफोनिया, क्रेसिलेरिया, पोरफायरा और जिलेडियम इस समूह के सदस्य हैं। अब हम इनके स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये है पॉलीसाइफोनिया जो कि थैलस स्ट्रक्चर है लेकिन ब्रांच्ड है, और ये है पोरफायरा, ये थैलस स्ट्रक्चर दिखाई आपको दे रहा है। तो ये बच्चों आपको इनके बेसिक फीचर और ये पहचानते आना चाहिए, और इनके बीच बीच में जो वर्णक है कि इसमें वर्णक कौन से हैं, इसके कारण ये डिफरेंशिएट बहुत अच्छे से होते हैं। तो जब भी आप इनको याद करें तो इनमें इनके वर्णकों को जरूर याद रखें, वर्णकों के नाम और वर्णकों के प्रकार, इसके कारण आप इसको बहुत अच्छे से याद रख सकते हैं। अब हम इसको समअप करते हैं तो देखेंगे कि अंतर किस प्रकार से हम इसको समझा सकते हैं। तो इसका जो डिवीजन है, सामान्य नाम क्या है, प्रमुख वर्णक क्या है, इसमें जो संचित भोजन है वो किस प्रकार का है, कोशिका भित्ति किसकी बनी है, फ्लैजिला, अगर स्पोर में फ्लैजिला है तो क्या है, और इनका आवास क्या है, इसके आधार पर हम इन शैवालों को तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हैं, कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं तुलनात्मक अध्ययन, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक में भी ये सारणी बनी हुई है, आप चाहें तो उससे भी इसको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। अभी हम इसको समझेंगे। क्लोरोफाइसी, इसका सामान्य नाम है हरे शैवाल, इसमें वर्णक है क्लोरोफिल ए और बी, इसमें संचित भोजन स्टार्च के रूप में, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, फ्लैजिला की संख्या 2 या 8 सामान्य, संख्या निवेशन शीर्ष, और आवास है ये आलवण, लवणी और खारे, यानी सभी प्रकार के जलों में पाए जाते हैं। फिर देखें हम फियोफाइसी जो भूरे शैवाल है, भूरे शैवाल है क्लोरोफिल ए सी फ्यूकोजेंथिन की उपस्थिति, संचित भोजन मैनिटॉल या लेमिनेरिन के रूप में, इसमें कोशिका भित्ति सेल्यूलोज और एल्जी की बनी हुई, आसमान पार्श्वी आलवण जल बहुत कम पाए जाते, खारे और लवणी जल में भी ये पाए जाते हैं। रोडोफाइसी जो है वो लाल शैवाल, इसमें क्लोरोफिल ए और डी उपस्थित, पाइको एरिथ्रिन के कारण लाल दिखाई देता है, संचित भोजन फ्लोरिडियन स्टार्च के रूप में, कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की, इसके जो स्पोर रहते हैं उसमें फ्लैजिला अनुपस्थित होता है, ये आलवण जल कुछ खारे जल में और कुछ लवणी जल में पाए जाते हैं। तो बच्चों ये था आपका शैवाल और उसके वर्गीकरण तथा उसके सामान्य लक्षणों का अध्ययन। मैं एक बात यहाँ कहना चाहती हूँ कि हम पीडीएफ में आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं,
लेकिन जब तक आप उस संबंधित वीडियो को अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको वो नोट्स समझ में नहीं आएंगे। इसलिए आप सबसे पहले वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझें, देन पीडीएफ से उसको नोट करें। थैंक यू बच्चों।